सो हे व्हाट्स अप गाइस, क्या चल रहा है गाइस। आज के इस वीडियो में आपको कुछ इस टाइप की फोटो एडिट का ट्यूटोरियल लेके आया। तो गाइस आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। तो गाइस अगर आप भी ऐसी विजय महरा जैसी फोटो एडिट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गाइस। सबसे पहले जाना है हमको पिक्सआर्ट में, ठीक है। पिक्सआर्ट में जाने के बाद हमको यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है, यहाँ से एडिट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम अपनी फ़ोटो को करेंगे ओपन। तो गाइस मैं अपनी फ़ोटो की बैकग्राउंड को पहले से रिमूव कर चुका हूँ। अगर आपको नहीं आता फ़ोटो की बैकग्राउंड रिमूव करना तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना, वरना आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो आप उस वीडियो को देख के फ़ोटो की बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस हमको उस टाइप की फ़ोटो एडिट करने के लिए क्या करना है, सिंपली अगर आपके पास ब्लैक कलर का कपड़ा है या फिर वाइट, तो आप वो पहन के फ़ोटो को कुछ इस टाइप से पोज में क्लिक करा लेना, ठीक है। और इसके अगर नहीं है तो आप किसी भी कपड़े में फ़ोटो को क्लिक करा लें, और उसके फ़ोटो के शर्ट और पैंट की कलर को चेंज करने के लिए सिंपली हमको यहाँ पर फ़िल्टर पर चले जाना है, ठीक है। और यहाँ से फ़िल्टर पर जाने के बाद ये इस वाले सेकंड नंबर पर आ जाना है यहाँ से, ठीक है। जैसे ये आ रहा गया मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ जाने के बाद गैस हमको इसके थोड़ा सा स्टेप से कर लेंगे, 12 पर रखेंगे, और इसके यहाँ पर रेजर पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हमको इसको पूरा रेज कर देना है, ठीक है। और इसके कलर को सिंपली हमको अपने शर्ट पर तो पैंट पर अप्लाई करना है, तो इसकी हार्डनेस को बढ़ा के तो हम कुछ इस टाइप से जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं कर लेता हूँ जल्दी से, तो गाइस जैसे देख सकते हैं हमारे यहाँ पर शर्ट तो और पैंट पर ये कलर अप्लाई हो चुका है। सो इसको कर देंगे डन। तो यहाँ से कर लेंगे इसको सेव, ठीक है। ड्रॉ टूल में जाके सेव कर लेंगे इसको। सो यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर सेव इमेज पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इसको कर लेंगे बैक हो जाएंगे हम यहाँ से। सो बैक जाने के बाद गाइस हमको अपनी बैकग्राउंड को कर लेना ओपन। तो यहाँ से बैकग्राउंड को ओपन करने के बाद गाइस हमको यहाँ पर ड्रॉ टूल पर आ जाना है, ठीक है। ड्रॉ टूल में ऐड होने के बाद गैस हमको यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक करना है। यहाँ से हम अपनी फ़ोटो को कर लेंगे ऐड, जो भी आपने फ़ोटो को सेव की थी। सो इसको कर देंगे यहाँ से साइड से डन, ठीक है। और यहाँ से हमको गैस इसको साइज़ को थोड़ा सा कुछ इस टाइप से कर लेना है बड़ा, ठीक है। और यहाँ से बड़ा करने के बाद गैस हमको इसको रोटेट करने के लिए हमको यहाँ पर जाना है, फर्स्ट वाले लेयर पर जाना है, और यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको कर लेंगे साइड से रोटेट, तो इसको कर देंगे यहाँ से डन, ठीक है। डन करने के बाद गैस हमको इसकी ऑफसेटी को थोड़ा सा हमको कम कर देना है, ठीक है। इसके जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट इस साइड में है इसको रेज करने के लिए, तो यहाँ से हमको इस टाइप से कर लेना है। रेजर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से रेजर पर क्लिक करने के बाद गैस हमको डबल टैप रेजर पर करना है, और यहाँ से ये हमको ये जो थर्ड नंबर पर फर्स्ट वाला आइकन मिलता है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसके साइज़ को कुछ इस टाइप से रखेंगे जैसे आप देख सकते हैं, और यहाँ से कर देंगे इसको साइड से डन, ठीक है। और इसको हम इतने पार्ट को रेज कर देंगे जल्दी से, ठीक है। सो यहाँ से जैसे देख सकते हैं हमारा हो चुका है इतना पार्ट, और इसको गैस हम थोड़ा सा कर लेंगे बड़ा। सो गैस इसकी हमको ऑपसिटी को 100 कर देना है, यहाँ से 100 करने के बाद गैस यहाँ से हमको साइड से कर देना डन, ठीक है। और डन करने के बाद हमको जाना है ऐड फोटो पर। सो यहाँ से ऐड फोटो पर चले जाते हैं, यहाँ से हमको गैस इस वाली पेंसिल करना है ऐड। सो गैस इस पेंसिल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो इसको कुछ इस टाइप से छोटा करके हमको यहाँ से खींच के बड़ा करना है, ठीक है। यहाँ से इस टाइप से करना है, वैसे इतना करने के बाद इसको कर देना डन, ठीक है। और डन करने के बाद गैस हमको यहाँ पर सन पीएनजी के पीएनजी ऐड करना है, तो हमको ये ऐड फोटो पे जाना है, और यहाँ से सो गैस यहाँ से मैं सन पीएनजी कर लिया हूँ ऐड, तो यहाँ से ऐड कर देंगे। और हमको इसके ब्लेंड मोड पर जाना है, ब्लेंड पर जाने के बाद इसको कर देना है स्क्रीन, तो हमको यहाँ पर कुछ इस टाइप से लगा देना, ठीक है। और यहाँ पर लगाने के बाद गाइस इसको कर देंगे डन, ठीक है। इतना काम होने के बाद गाइस हमको इसको लाइट रूम में करना है ओपन। तो यहाँ से ड्रॉ टूल में जाएंगे,
और यहाँ से ड्रो टूल में जाने के बाद हमको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेव इमेज पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हमारी फोटो हो जाएगी सेव। तो हमको इसको लाइट रूम में करना है ओपन, इसलिए यहाँ से जाएंगे। तो गैस हमको यहाँ से करना है लाइट रूम ओपन। तो ओपन करने के बाद गैस हमको यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक करना है यहाँ से साइड में, और यहाँ से अपनी फ़ोटो कर लेंगे ऐड यहाँ से। सो जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी फ़ोटो कर लिया हूँ ऐड, तो यहाँ पर ऑल फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ से हमारी फ़ोटो ऐड हो चुकी है। और इसको हमको गैस क्या करना है, सिंपली हमको जाना है कलर में। कलर्स में जाने के बाद गैस मिक्स में जाएंगे और यहाँ से ऑरेंज कलर पर क्लिक करेंगे, इसकी सैचुरेशन को कम करेंगे, लाइट्स को बढ़ा देंगे, ठीक है। और यहाँ से गैस हमको रेड पर क्लिक करना है, इसकी सैचुरेशन को कम करेंगे थोड़ा सा, लाइट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। और यहाँ से गैस थोड़ा सा सैचुरेशन को कम करना है और यहाँ से कर देंगे डन, ठीक है। डन करने के बाद गैस हमको यहाँ पर फिर से जाना है, इस वाला आइकन पर चले जाना है, यहाँ से हमको गैस इसको बढ़ा देना है। जो हमारे फेस पर नॉइज़ रहेगा तो इससे हमारा क्या होगा कि नॉइज़ हट जाएगा, तो यहाँ पर शार्पनेस को भी बढ़ा देंगे। तो गैस यहाँ से हमारी फ़ोटो फाइनली एडिट हो चुकी है। तो गैस मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी पिक्सआर्ट में कैसे थी और हमारी लाइट रूम में किस टाइप से फ़ोटो हो गई है। और इसको सेव करने के लिए सिंपली हमको क्या करना है, शेयर पर क्लिक करना है, सेव टू डिवाइस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हमारी फ़ोटो ओके हो जाएगी। तो यहाँ से कर देंगे ओके। तो गैस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।